हे गाइस, वेलकम टू माय अदर वीडियो। आई होप आप सभी ठीक होगे। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम अपने इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि नीचे इंस्टाग्राम के नीचे हाइलाइट्स के ऑप्शन होते हैं, जिसमें अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, अपनी स्टेटस वगैरह को हम शेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे फीलिंग वगैरह के मैंने दो हाइलाइट्स लगा रखे हैं। बट इसको हम प्रोफेशनल वे में किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं और आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। तो गाइस, ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिससे कि आप फ्री में हाइलाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था तो आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बट वो वीडियो शॉर्ट वीडियो थे इसलिए उस वीडियो में ज्यादा कुछ बता नहीं पाया। इसलिए मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूँ फुल। तो तीजी तरीके से आप इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक पेड वाले। तो आपको इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना है। आपको मैं यहाँ पे प्ले स्टोर जो है ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च बार में ऊपर सर्च करना है आपको हाइलाइट्स कवर। तो इंस्टाग्राम हाइलाइट्स कवर जो है वो सर्च करेंगे प्ले स्टोर में तो आपको काफ़ी सारी यहाँ पे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। बट मैं जो एप्लीकेशन बताने वाला हूँ आपको वही केवल डाउनलोड करनी है। आपको यहाँ से दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी जो देख सकते हैं आपको यहाँ पे हाइलाइट्स कवर एंड लोगो मेकर इंस्टाग्राम स्टोरी। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे जो है रिव्यू वगैरह भी दिए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे इसके हैं, डाउनलोडिंग भी काफ़ी अच्छे। तो आपको यही जो है डाउनलोड करनी है। इसके बाद मैंने इसको इंस्टॉल कर रहा है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन कर रहा हूँ तो आपको सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा हाइलाइट्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे सभी कैटेगरी के। बट आपको जिस कैटेगरी का बनाना है आप उस कैटेगरी का बना सकते हैं। बस एक बात मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ, जिस पे आप स्टार जो है वो शो देख रहे हैं, जिस पे स्टार लगा हुआ है वो पेड है, बिल्कुल आपको पैसे में मिलेंगे। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली $6.99 में यहाँ पे बाय करना कहता है। बट आपको इसको बाय नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी पेड नहीं करना है, आपको मैं फ्री में एकदम बना के दिखाने वाला हूँ। तो आपको सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं उसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा सिंपली है। तो आपको नीचे यहाँ पे टेम्पलेट और प्लस का आइकन दिख रहा है और माई वर्क दिख रहा है, तो आपको प्लस वाले आइकन पे सिंपली क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से आपको ब्लैंक विंडो जो है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहे हैं, बैकग्राउंड फ्रेम आइकन टेक्स्ट। तो आपको सबसे पहले एक नॉर्मली जो है बैकग्राउंड ले लेना है। तो यहाँ बैकग्राउंड पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलर के बैकग्राउंड है वो आ गए हैं। तो आपको नॉर्मली यहाँ पे कोई भी अपनी इच्छा से जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं, आप वो बैकग्राउंड ले सकते हैं। लेकिन आपको विदाउट स्टार वाले बैकग्राउंड लेने पड़ेंगे क्योंकि जो स्टार लगा हुआ है वो पेड बैकग्राउंड है। और साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे गैलरी से भी कोई इमेज ले सकते हैं बैकग्राउंड में अगर आप लगाना चाहते हैं। तो आपको नॉर्मली मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, जिस तरह से इसको ले लेता हूँ ग्रीन को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो आ गया है। उसके बाद आपको फ्रेम के ऑप्शन जाना है, फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे आइकन आपको देखने को मिलेंगे, सभी कैटेगरी के जो आइकन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं एक नॉर्मली जो है कोई भी एक आइकन आपको लेके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक आइकन को पिक करने वाला हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ये जिम का जो डंबल है, कुछ इस टाइप के आइकन को मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हो तो हमारा जो है वो डंबल आ गया है और कुछ ब्लैक कलर में है, तो हम इसका जो कलर भी चेंज कर सकते हैं और साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कलर यहाँ पे चॉइस करना है आपको, जो भी आप कलर लेना चाहते हैं। तो मैंने जैसे बॉर्डर लिया है तो येलो कलर का ही मैं इसको रख लेता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा जो हमारा आइकन है कवर है वो लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना भी चाहते हैं, टेक्स्ट वगैरह इसको नाम देना चाहते हैं, तो वो भी इजीली यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है और टैप द एडिट पे करना है, और यहाँ से आप जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जिम का नंबर है तो मैं जिम के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे हम जिम का जो हमने लोगो बनाया था वो हाइलाइट बनाया था, तो हम यहाँ पे जिम का वो लिख दिया है। और यहाँ पे फॉन्ट वगैरह आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको ये अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना है। तो मैं इसका कलर है वो भी येलो कर देता हूँ, जो कि इसका जो कलर है वो कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट वगैरह है वो थोड़ा ठीक सा कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला, तो काफ़ी अच्छा जो हमें ये लग रहा है। और यहाँ से हम इसको इस पर एडजस्ट कर देते हैं ZYM, जैसे जिम करते हैं तो हमने इसको लगा दिया है। और यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर सबसे राइट पे आपको एक डाउनलोड का निशान है तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे शो होगी, सेव इट टू एल्बम, और सेकंड पे है सेव एज हाई रेजोल्यूशन। गाइस जो हमारे बीच के ऑप्शन है सेव एज हाई रेजोल्यूशन, सेव एज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ये हमारे पेड हैं, बट हमको इनको नहीं करना है, सेव एज टू एल्बम में कर देना है सिंपली यहाँ से।
गाइज जो हमारा जो रैक ये है वो बन चुका है और ये अंदर पहुंच चुका है हमारी गैलरी में, तो हमको इसको मिनिमाइज़ करना है और अपने जो है इंस्टाग्राम में जाना है। जैसे इंस्टाग्राम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं हाइलाइट्स के जो ऑप्शन है वो शो हो रहे हैं और यहाँ पे एक न्यू पे क्लिक करना है, हम न्यू बनाना है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे न्यू करने के लिए आपको कोई भी वीडियो लेनी है जो कि जिम से रिलेटेड हो, जो भी आज लगाना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वीडियो है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ पे एडिट कवर का ऑप्शन है, तो एडिट कवर पे जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली साइड में एक पिक्चर चेंज करने का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा गैलरी में जो ये आ जाएगा और यहाँ से इसको इस तरह से कुछ कर देना है और इसको हम आगे प्रोसेस कर देते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह से शो होने वाला है और यहाँ से आपको एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिख देना है जिम ZYM या कुछ भी आप लिखना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ फ़िलहाल आपको दिखा रहा हूँ, तो हमने यहाँ पर जिम लिख दिया है और यहाँ पे लिखने के बाद आप देख सकते हैं जो प्रोफाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, जो हमारी हाईलाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। जब आप हर एक जैसी हाईलाइट लगा लोगे तो वाकई में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो आप एक जैसे कलर की और एक जैसे कॉम्बिनेशन की हाईलाइट लगा सकते हैं। गाइस इसको आप हाईलाइट चूज करने के बाद आपको जगह जगह लगा सकते हैं जहाँ भी आपको लगाना है। गाइस आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा अपडेट रहता हूँ। तो आपको कोई भी क्वारी हो तो आप इंस्टाग्राम पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छे लगे तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।